नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और देहरादून से बड़ी खबर, कॉर्बेट घोटाले में केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया, साथ ही सीबीआई ने छापेमारी भी की है। सीबीआई की टीम ने पूर्व डीएफओ किशन चंद और रेंजर ब्रिज विहारी के घर पर छापेमारी की। घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज टीम अपने साथ ले गई है। जिम कॉर्बेट पार्क के पाखरो रेंज में सफारी के नाम पर घोटाले के आरोप हैं, जिसमें 215 करोड़ के घोटाले का ये मामला। आरोपों में पूर्व डीएफओ के साथ ही पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत भी घिरे हुए हैं। कोटद्वार बेस अस्पताल में मरीजों के लिए जा रहे यूजर्स चार्ज जो मरीजों से लिए जा रहे हैं से प्राप्त धनराशि में घपले की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने मामले की जांच के आदेश दिए। चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में डीएम को जानकारी मिली कि पिछले साल की तुलना में 12% कम पैसा मिला, जिसके बाद डीएम ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया। वहीं सीएमएस कोटद्वार का कहना है कि इसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई है। एक्चुअली ये गणित है, ये जो हमारे जो जो क्लरिकल स्टाफ है वो गणित की केवल विषय और कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत गणित इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो गया है, बाकी वो सब ठीक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर के दौरे पर थे। यहां सीएम धामी अचानक ही रामनगर के एआरटीओ ऑफिस पहुंच गए, जहां उन्हें फाइलों को खंगाला और निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इन्फोर्समेंट की कमी है। उन्होंने अधिकारियों को ओवरलोडेड गाड़ियों और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता के काम है, हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। उसी के तहत मैं आज यहाँ का एआरटीओ कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, इन्फोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर, इसके आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में, क्या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर और उनको निर्देश दिए हैं कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए। और इससे पहले सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट नेशनल पार्क गए थे। इस दौरान सीएम धामी ने सैलानियों के लिए कॉर्बेट पार्क में मिल रही सुविधाओं का निरीक्षण किया और काफी असंतुष्ट दिखे। सीएम ने अधिकारियों को कॉर्बेट में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विश्व स्तरीय इस नेशनल पार्क में अभी भी बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है। तो निश्चित रूप से इसका प्रबंधन और अच्छा होना चाहिए और टूरिस्टों के लिए और अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक प्रकार से वन विभाग का जो काम है और तेजी से विस्तार और विकास की ओर जाना चाहिए, उसी की मैंने समीक्षा की है, साथ में जो वन विभाग से संबंधित हमारे तमाम जो कब्जे थे, अतिक्रमण था, उन सब पर भी चर्चा की है। और अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम के दौरे पर आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी एक बार फिर केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री का केदारनाथ का दौरा हो सकता है और इसके लिए प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। साल 2017 से पीएम मोदी केदारनाथ धाम में 6 बार आ चुके हैं। पीएम के आने के बाद चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। अब एक बार फिर पीएम के दौरे की खबर है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, तैयारियों में जुट गया है। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ से लोकसभा चुनाव की पिच सेट कर दिया है, बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने पिच सेट कर दिया। तो कांग्रेस का दिल्ली में 5 राज्यों की तैयारी के साथ आगे की रणनीति बनाने का काम जारी है, पर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का काउंटर कौन कर पाएगा कांग्रेस की तरफ से, यह सवाल बहुत बड़ा है जो उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के सामने है। बीजेपी का दावा है कि पिथौरागढ़ में 1 लाख लोगों की जो भीड़ जुटी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और डबल इंजन की सरकार के काम पर जुटी।
बॉर्डर जिले में जुटी भीड़ ने जहां बीजेपी का हौसला बढ़ा दिया, तो लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने 6 महीने पहले ही कर दिया। बीजेपी से मोदी मैजिक बता रही और विरोधियों को जवाब है कि आज भी मोदी मैजिक बरकरार है। देखिए, जो लोग ये कहते थे कि मोदी का मैजिक समाप्त हो गया है, कल पिथौरागढ़ के अंदर जो ऐतिहासिक रैली हुई है, 1 लाख से अधिक लोग, जिसमें ये कहते हैं न भूतों न भविष्यति, मोदी जी का मैजिक बरकरार है और आने वाले समय में 2024 में उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बीजेपी का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसान कर दिया, पर 5 राज्यों में चुनाव के साथ दिल्ली में बैठकर कर रही कांग्रेस का क्या होगा? उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला राहुल गांधी करेंगे और जनता बात सुनेगी, ये भरोसा कांग्रेस को है। पर पूर्व कांग्रेसी और अब बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय के मुताबिक देश और प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे पिट चुके हैं। हमारे तो राहुल गांधी के सामने कहीं नरेंद्र मोदी है ही नहीं, वो मोहब्बत कर रहा है, वो लोगों में गंगा जमनी तहजीब को मजबूत कराने की बात कर रहा है। जो हमारे अध्यापकों ने हमको सिखाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, भारत की एकता की बात करता है। ये आदमी हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करता है। ये व्यक्ति दिन में धूप में मोबाइल के फ्लैश जलाने की बात करके उत्तराखंड के बच्चों को बेवकूफ बनाने की बात करता है। और आप ऐसे लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हो जो कहीं है ही नहीं, तो उन पर अपना समय और चैनल का समय जो है बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पूरी भारत में कहीं नहीं है, उत्तराखंड में कहां से है, उसने होना है। 2014 के बाद उत्तराखंड में हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां माहौल बनाने और बदलने में कामयाब रहे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले जनसभा में जुटी भीड़ ने लोकसभा चुनाव से पहले टेंशन जरूर बढ़ा दी है कि आखिर मोदी की चुनौती से निपटा कैसे जाए। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी भले ही पीएम के दौरे को सफल बता रही हो, लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे को निराशाजनक बताया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र लुंठी का कहना है कि क्षेत्र की जनता ने हवाई सेवा और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर पीएम से बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन पीएम ने इन दोनों मांगों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे लोगों में अब निराशा है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि पीएम के दौरे से पहले प्रशासन ने जिस तरह पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया, उससे साफ लगता है कि बीजेपी डरी हुई है। और जो लंबे समय से सरकार बार बार डबल इंजन की सरकार ठग रही है कि हवाई पट्टी जल्दी शुरू होगी, हवाई जहाज जल्दी उड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर चाहे उन्होंने टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन है उसमें एक शब्द नहीं कहा। दस 16 अक्टूबर को कांग्रेस दूसरे चरण की किसान सम्मान यात्रा नारसन से रुड़की तक निकालने जा रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से यात्रा को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों की समस्याओं को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, इसलिए आज किसान धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। पहली ऐसी किसान सम्मान यात्रा झबरेड़ा में निकाली, अब उसके 15 दिन बाद हम ये किसान सम्मान यात्रा जो है गुरुपुर नारसन से रुड़की तक निकाल रहे हैं ट्रैक्टर यात्रा के, और इसके बाद हम फिर लक्षर जाएंगे। 14 अक्टूबर को पितृविसर्जन अमावस्या है, लेकिन इस दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में कहीं पर भी इसका कोई असर नहीं दिखेगा और न ही इसका सूतक लगेगा। हरिद्वार के पौराणिक नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया, लोग सूर्य ग्रहण को लेकर किसी भी भ्रम में न रहे, सर्व पितृ अमावस्या के दिन निमित अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि इस पितृ विसर्जनी अमावस्या के ऊपर ग्रहण का प्रभाव है, परंतु वो ग्रहण का प्रभाव भारत वर्ष में कहीं पर भी नहीं है। इधर उत्तरकाशी में मोरी की पंचगाई पट्टी में इस बारिश में लकड़ी का पुल और सड़क बह गई,
जिसके बाद 5 गांव के गांव वालों के लिए समस्या बन गई है। ग्रामीण अपनी जरूरत के हिसाब से अपने जरूरी सामान को लेकर निर्माणाधीन पुल पर जान हथेली पर रखकर यात्रा को मजबूर है। पुल न तैयार होने के चलते ग्रामीणों की सेब की फसल भी गांव में ही खराब हो रही है। PMGSY द्वारा बनाए जा रहे पुल की गति इतनी धीमी है कि पुल कब बनेगा पता ही नहीं। ग्रामीण इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक रास्ता, एक लकड़ी का पुल ही तुरंत तैयार किया जाए ताकि वो उनके फसलों को नुकसान न हो। समस्या है, जुलाई से हमारे पूरे रास्ते बह गए थे, टूट गए थे, पुल बह गया। प्रशासन को हमने बार बार लिखित में, मौखिक में बार बार सूचना दी है और अभी तक हमारा जो ना तो पुल लग पा रहे हैं ना कच्चर के मार्ग खुल पा रहे हैं। द्वारा भी ये लाया गया था मैटर कि इस तरह लोग पास कर रहे हैं और मैंने तत्काल व्यवस्था कर ले और फिर पुणे अभी आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया जा रहा है तो मैं पुणे उनसे बात करूंगा इनके द्वारा ऐसा पुल क्यों नहीं बनाया गया। पहाड़ की महिलाओं की जिंदगी संघर्षों में ही गुजरती है, ऐसे में इन महिलाओं को दो पल की खुशी देने के लिए रामनगर के क्यारी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए और लोगों का मन मोह लिया। मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया और हमने यहाँ पे बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है जो हमें इस गाँव में आके बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हमें ऐसे अवसर मिलता रहे। बहुत इंजॉय करा, शायद हमने साल भर में एक पहला ही हमारा प्रोग्राम था, इससे पहले अभी हुआ ही नहीं, इसलिए हमने बहुत इंजॉय करा और जीजा साली के डांस में हमने खूब अच्छी प्रस्तुति दी है। दो दिन के लिए हरिद्वार में जुटे वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ती उम्र के साथ एक्टिविटी बनाए रखने पर जोर दिया। शहजार होम्स द्वारा आयोजित दो दिन के कार्यक्रम में कई लोगों ने अपनी बात रखी। हेरिटेज होम चेन्नई के संस्थापक डॉक्टर के आर गंगाधरन ने कहा कि आजादी के बाद अब भारत में वरिष्ठ नागरिकों की औसत आयु 60 साल मानी जाती है जिसमें इजाफा हुआ है। भेल के रिटायर निदेशक MK मित्तल ने वृद्धावस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए कई सुझाव दिए। उत्तराखंड में अभी तक छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ लेकिन प्रदेश के बड़े कॉलेज में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। आलम यह है कि शहर की सड़कों से लेकर कॉलेज कैंपस तक टिकट के दावेदारों के पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3 परिसर को छोड़कर अभी तक प्रदेश के किसी भी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन छात्र संगठनों को उम्मीद है कि नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव हो जाएंगे। कॉलेज कैंपस में इन दिनों पूरा चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अध्यक्ष पद पर 4 कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, वहीं NSUI में 3 कैंडिडेट अध्यक्ष पद के दावेदारों की लिस्ट में है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन है जो सबको साथ लेकर चलता है। यहाँ पे हर किसी को तैयारी करने का अधिकार है, तैयारी करते हैं और जो अच्छी तैयारी करते हैं चुनाव भी लड़ता है। यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे लगभग 7-8 कैंडिडेट हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी साथ में और एक साथ मिलकर संगठन के लिए कार्य करते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी सोच टिकट तक की नहीं है। मेरी जो विचार है, मतलब मेरा सिर्फ चुनाव लड़ने का मकसद नहीं है, मेरा मकसद है चुनाव जीतना। तो टिकट पे तो मैं बिल्कुल भी मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। टिकट वो बड़ों के हाथ में है कि हमारे बड़े जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ गण हैं वो हमारी मेहनत पे, हमारी टीम देखकर या हमारा जो भी वोट वगैरह क्या करते हैं, हमारे जो कार्यक्रम है, मतलब हम क्या कितने अच्छे लेवल पे वो कर सकते हैं उसके बेस पे वो टिकट देंगे। यही हाल DBS और MKP कॉलेज का है जहां छात्र संगठनों के गुट आपस में बटे नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स यहां उन कैंडिडेट को टिकट में तवज्जो देने की बात कर रहे हैं जो लंबे समय से चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। पिछले भी हमने दावेदारी काफी जोरदार से मतलब धूमधाम से करी थी, इस बार ज्यादा चांसेस हैं टिकट के। नहीं मिलेगा तो जो संगठन चाहिए हम संगठन के साथ रहेंगे, संगठन सर्वोपरि है हमारे लिए। इस बार हम नशे को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि साफ है जैसे ही चुनावों की तारीख सामने आएगी कैंडिडेट के बीच कंपटीशन और तगड़ा होगा और इन कैंडिडेट को जोड़कर रख पाना छात्र संगठन के लिए भी चैलेंजिंग होगा।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी है। पड़ रही थी उन्हें ठीक कर दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पुरातत्व विभाग की मदद से दरारों को भरने का काम शुरू किया था, जो लगभग पूरा कर लिया गया है। सिंह द्वार बद्रीनाथ धाम का सबसे बड़ा आकर्षण द्वार माना जाता है और ऐसे में कुछ दिन पहले यहां दरार देखी गई थी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा पुरातत्व विभाग से सर्वे करवाया गया और फिर ये काम पूरा हुआ। जो सिंह द्वार में कुछ दरारें पड़ रही थी, तो हमने पूर्व में शासन को और पुरातत्व विभाग को इस संदर्भ में पत्र लिखा था और उन्होंने इसका अध्ययन किया। वहाँ पर ग्लास की उन्होंने स्ट्रिप भी लगाई थी और उनका आकलन किया उन्होंने कि जो दरारें हैं वो कितनी घट बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। उसके बावजूद ASI की ओर से जो दरारें थी उनको भरने का उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।